इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की बात हो रही है। अब सिर्फ जाति के लिए नहीं बदल सकते धर्म। हरियाणा में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू हो चुका है, अब सिर्फ शादी के लिए धर्म नहीं बदल सकते। इस वक्त की बड़ी खबर, इस कानून को तोड़ने पर 10 साल तक की सजा है। हरियाणा में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू हो गया है, सिर्फ शादी करने के लिए धर्म नहीं बदल सकते हैं, इस कानून को तोड़ने पर 10 साल तक की सजा है। ऐसे मामले लगातार बढ़े हैं जब सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है, और कई राज्यों में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। हरियाणा में यह कानून लाया गया है जिसमें अब सिर्फ शादी के लिए धर्म नहीं बदला जा सकता है। बेहद सख्त सजा है, कानून तोड़ने पर 10 साल तक की सजा है। इसका मकसद सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के चलन को रोकना है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर स्मृति ईरानी पर दिए गए बयान पर कायम है अजय राय। अजय राय का कहना है कि माफी नहीं मांगूंगा। उड़ा दिए गए जिसकी दादी को मार, सड़क उतर के लगातार 105 दिन 6 दिन से सड़क उतर रहे हैं, 2200-2300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। 5 किलोमीटर चल के देख लें, 10 किलोमीटर चल के इनके नेता लोग देख लें, समझ में आ जाएगा। हम लोग तो रोज 20 किलोमीटर चल रहे हैं, 25 किलोमीटर ना। आज चंदौली में यात्रा देखिएगा, आज चलेंगे हम लोग 200 किलोमीटर, फिर कल गाजीपुर है, परसों बनारस है। आप देखिए लगातार हमारे एक एक नेता 6 प्रांत में हम लोग चल रहे हैं, और पूरे देश और प्रदेश में चल रहे हैं लोग। तो ये हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम केवल हाथ हिलाकर वोट जनता से नहीं लेते, जनता के बीच में जाकर उनके बीच में हम लोग बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके घर में खाना खा रहे हैं, उनके घर के लोगों से मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से छनकर आ रही है। नहीं क्यों, हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है। मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उसमें मैंने बोला है, वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। तो जो इस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे क्या लगता है 24 में चुनौती मोदी को देंगे आप? अरे निश्चित, बनारस हमारा घर है। आप देखेंगे जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था 2014 में मोदी जी के खिलाफ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, तब हम 76,000 वोट पाए थे। और जब प्रधानमंत्री बन के वो लड़े और मैं पूर्व विधायक बन के लड़ा, मेरी विधायकी भी इन लोगों ने मुझे हरा दिया, अनाप शनाप पैसे खर्चे करके तमाम तरीके से, तब 1,54,700 वोट मैं पाया, दुगुना से ज़्यादा वोट पाया। तो अंदाज़ा लगा लिए 2024 में वोट कहाँ चला जाएगा। और आम जनता के बीच में लोग खड़े हैं, रोज़ उनकी सेवा के साथ खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, हम मैदान से भगाने वाले लोगों में से हैं। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा निश्चित तौर से। 2000 बनारस का विकास है उसको इग्नोर करके जनता विकास क्या हुआ आप देख लीजिए, बंदरगाह बना है, कितने शिप वहां से गए हैं आप देख लीजिए, माँ गंगा के पुत्र बनकर आए थे गंगा जी में, देख लीजिए रोज टीला रेता रोज निकल रहा है, कहीं गंगा मैया की कोई सफाई भी हो आप देख लें। एक नहर बनाया था इन्होंने, वो नहर जो गंगा जी बनी थी किनारे, वो भी कट के पूरा गंगा जी मिल गई। घाट है, वो घाट दरकते जा रहे हैं माँ गंगा के किनारे की। केवल सजावट और लेजर की लाइट दिखाकर जनता को वोट नहीं मिलने वाला है। जनता चाहती है कि आपने कितने कल कारखाने बनारस में लगाए, कितने फैक्ट्रियां लगाई, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को काम मिला, कितने लोगों के पॉकेट में पैसे गए, किसानों का क्या भला हुआ, किसानों का जो समान उपज होती वो कहीं बिक रही है, कोई नया कारखाना नहीं बना, किसी परिवार के बच्चों को नौकरी मिली, तो आप बता सकते हैं। आप खुद मीडिया वाले लोग हैं, आप दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, आप देख लें किसी का बच्चे को मिल गया, आपके किसी रिश्तेदार को नौकरी मिल गई हो, काम मिल गया हो, तो बता दें मुझे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो बना दिया, राम मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बाहर के लोग हो सकता है चकाचौंध दिखाकर जो तमिल समागम कर रहे हैं, बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं पूरे देश में, पर जो काशी के लोग हैं, काशीवासी, उससे बहुत दुखी हैं। आप उसका परिणाम विधानसभा में देख सकते हैं कि विधानसभा दक्षिणी चुनाव जीतने में इन्हीं की चोटी लगाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को चाय पीना पड़ा, पान खाना पड़ा, दो दो तीन तीन दिन बनारस में रहना पड़ा। बनारस की जनता विश्वनाथ कॉरिडोर में जितने पुराने मंदिर हमारे तोड़े गए, चाहे वो हमारे शनि भगवान का मंदिर हो, चाहे वो सरस्वती जी का मंदिर हो, सरस्वती फाटक का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ के बगल में माँ पार्वती का मंदिर था, हमारे अन्नपूर्णा जी का मंदिर था, हमारे वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, वहाँ पर बगल में उनके गुरु अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था, सब ध्वस्त कर दिया गया। आज वहाँ म्यूजियम की तरह बैठा दिया गया, भगवान को म्यूजियम बैठा दिया गया। काशी के लोग जो काशीवासी हैं, जिनकी पीढ़ियाँ काशी में बाबा विश्वनाथ की दर्शन करती चली आ रही हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल से पूर्वज दर्शन, आज वो लोग इस कॉरिडोर से बनारस की आम जनता खुश नहीं है।
राहुल जी तो मंदिर मंदिर आरती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं। वो तो पहले से जा रहे हैं, कोई नई बात हो रही है। उसके पहले आप देखे होंगे मानसरोवर चले गए, मानसरोवर की यात्रा कर आए, केदार जी कई बार यात्रा कर आए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में उनके पूर्वज आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष का माला, एक मुखी रुद्राक्ष का माला उनको दिया गया था, वो पहनती थी। पूरे परिवार के लोग शुरू से तो धार्मिक हैं। हाँ, ये सभी धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम तनाव, हम झगड़ा भाई से भाई का नहीं कराते, हम तनाव नहीं पैदा करते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हमारे लिए सब एक समान है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सबको अपना मानते हैं। तो अजय राय का यह कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कल उन्होंने एक विवादित बयान दिया था स्मृति ईरानी को लेकर और कहा था कि स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके दिखा करके जीती हैं, और आज उन्होंने ये कहा है कि आम बोलचाल की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है और वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने इस बयान पर चुनौती देते हुए कहा था कि राहुल जी एक प्रादेशिक नेता से, आपने प्रदेश के नेता से जो विवादित बयान दिलवाया है, क्या ये तय मानूं कि आप इस बार अमेठी से भागेंगे नहीं? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।